नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष में। दुनिया भर में पूंजीपति, राजनेता, नामी खिलाड़ी और सेलिब्रिटीज अपने अपने देशों से करीब 6 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 32 ट्रिलियन डॉलर तक बिल्कुल एक तरह से इस तरह से भ्रष्टाचार में डाले हुए हैं कि जिससे एक बड़ा खुलासा हुआ है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट से, जिसे पेंडोरा पेपर्स कहा जा रहा है, CIJ यानी कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने जो डेटा एक तरह से जो लीक हुआ था उसकी पड़ताल करके ये बताया है कि पेंडोरा पेपर्स में दुनिया के कई अमीर लोगों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो अपने देश में टैक्स देने से बचने के लिए अपना पैसा उन देशों और जगहों में जमा कर रहे हैं जहां टैक्स उन्हें नहीं देना पड़े, जिसे टैक्स हेवन कहा जाता है। टैक्स हेवन यानी वो देश जहां जमा पैसे पर या तो कर लगता नहीं, अगर लगता भी है तो बहुत कम दर से लगता है। पेंडोरा पेपर्स में 300 भारतीयों की भी पहचान हुई है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के खुलासे हुए हैं। इससे पहले भी पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स के नाम से कई पड़तालें हुई और भारतीयों के नाम उसमें भी सामने आते रहे। आज के विशेष में काले धन के इस खेल को उजागर करेंगे और साथ ही हम आपको एक इस मसले की ओर भी ले चलेंगे जहां पर काले धन की वजह से जो मोदी सरकार है वो आई और इस बात का यकीन दिलाते हुए कि अगर काला धन पूरे देश से बाहर अगर देश में लाया जाए तो हर एक भारतीय को लगभग 15 लाख रुपए उसके अकाउंट में मिलेगा। हालांकि बाद में अमित शाह ने कहा कि ये तो जुमला था, लेकिन आज हम विशेष में देखेंगे काले धन की काली माया। पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक बड़ी वित्तीय प्रबंधन संभालने वाली कॉरपोरेट कंपनियों ने दुनिया के कई इलाकों में तकरीबन 29,000 ऑफ द सेल्फ कंपनियां और प्राइवेट ट्रस्ट बनाकर टैक्स चोरी का जुगाड़ बनाया है। 35 ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं जो या तो पहले किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं या वर्तमान में किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। वहीं दुनिया के 91 देशों से जुड़े 330 राजनेताओं और बड़े अधिकारियों के नाम इसमें शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें 380 के करीब भारतीय भी शामिल हैं। इनमें से क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का भी नाम है, तो उद्योगपति अनिल अंबानी और नीरव मोदी का भी नाम शुमार है, फिल्म स्टार जैकी श्रॉफ का भी नाम सामने आया है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों का पीआर करने वाली नीरा राडिया, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो इस पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। और इसी से आप समझ सकते हैं कि पेंडोरा पेपर्स का ये जो पूरा मामला है, भले ही हमारे देश के सियासी हलचल में दब रहा हो, लेकिन ये मामला गंभीर है। आइए देखते हैं कि इस पेंडोरा बॉक्स में छिपे अर्थव्यवस्था को चट करने वाले दीमक कौन कौन से हैं। हाल ही में ICIJ यानी कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के ताजे खुलासे से पूरी दुनिया चौंक गई है। इस रिपोर्ट पर दुनिया भर के 117 देशों के 150 से अधिक मीडिया संस्थानों के 600 से अधिक पत्रकारों ने मिलकर काम किया है। इन पत्रकारों ने 1,19,00,000 से ज्यादा फाइलों को 2 बरस तक बारीकी से जांचा, परखा और छाना है। हालांकि इससे पहले पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स नाम से भी टैक्स हेवन्स में छिपाए गए काले धन की पड़ताल वाली रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, लेकिन पेंडोरा पेपर्स तो उन सारे रिपोर्ट्स को मिला देने पर भी दोगुनी बड़ी मानी जा रही है। भारत में भी एक मीडिया हाउस इस पड़ताल में शामिल रहा है। ICIJ ने ये डेटा अपने 14 सोर्सेज से प्राप्त किया है। इसमें दुनिया भर की कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं और आगे भी बड़े बड़े नामों के खुलासे के आसार बताए जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इसमें शामिल 380 भारतीयों में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं। हालांकि सचिन कहते हैं कि उन्होंने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया है। सचिन तेंदुलकर का नाम पहले भी पनामा पेपर्स में आ चुका है। सचिन एक सेलिब्रिटी ही नहीं बल्कि भारत रत्न से सम्मानित हस्ती भी हैं। ऐसे में इस मामले में सरकारी जांच जरूरी हो जाती है।
पनामा लॉ फर्म एल्कोगल के दस्तावेजों के मुताबिक तेंदुलकर, उनकी पत्नी अंजलि और ससुर आनंद मेहता टैक्स हेवन कही जाने वाली ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में गठित की गई एक कंपनी सास इंटरनेशनल लिमिटेड के बेनिफिशियरी ऑनर और डायरेक्टर्स थे। पंडोरा रिकॉर्ड्स में सास का पहला उल्लेख साल 2007 से दिखाई देता है, जिसके मालिकों द्वारा लाभ कमाने का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। लेकिन देश की रक्षा से जुड़ा एक और बड़ा मसला सामने आया है। भारतीय सैन्य खुफिया विभाग के निदेशक रहे राकेश कुमार लुम्बा का नाम भी सामने आया है। तीन कोर के कमांडिंग ऑफिसर रहे लुम्बा के बेटे राकेश लुम्बा ने 2016 में सेशेल्स में अपनी कंपनी रेरिस्ट पार्टनरशिप लिमिटेड रजिस्टर की थी। ऐसे में इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखे जाने की जरूरत समझी जा रही है। वहीं अनिल अंबानी का मामला तो बेहद दिलचस्प है। प्रधानमंत्री के करीबी समझे जाने वाले उद्योगपति अनिल अंबानी ने फरवरी 2020 में लंदन की एक अदालत को बताया था कि उनकी कुल आय शून्य है, जबकि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पंडोरा पेपर्स की जांच में ये खुलासा हुआ है कि रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन और उनके प्रतिनिधियों के पास जर्सी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और साइप्रस जैसी जगहों पर कम से कम 18 विदेशी कंपनियां हैं। जबकि खुद को दिवालिया घोषित कर चुके अनिल अंबानी ने चीन के तीन सरकारी बैंकों की कर्ज अदायगी से इनकार कर दिया, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने उन्हें कर्ज अदायगी का आदेश दे दिया है। 2007 से 2010 के बीच कुल 130 अरब डॉलर का लेन देन इन कंपनियों के जरिए किया गया। फिर ये पैसा उन कंपनियों में पहुँच गया जिसमें अंतिम बेनिफिशियरी अनिल अंबानी थे। वहीं मशहूर भगोड़े व्यापारी नीरव मोदी की बहन ने भारत से भागने से ठीक एक महीने पहले एक ट्रस्ट बनाया था, जिसके अलावा जांच में ये भी पता चला कि भगोड़े बिजनेसमैन नीरव मोदी के जनवरी 2018 में भारत से भाग जाने के एक महीने पहले उनकी बहन पूर्वी मोदी ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी सिंगापुर के जरिए गठित एक ट्रस्ट के कॉर्पोरेट प्रोटेक्टर के रूप में कार्य करने के लिए एक फर्म की स्थापना की थी। खास बात यह है कि इस फर्म में जिस कंपनी का पैसा डाला जाना था वो पंजाब नेशनल बैंक में हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का आरोपी है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के साथ पूर्वी को भी 13,600 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाला मामले में आरोपी बनाया गया था। हालांकि अभी वो सरकारी गवाह बन गई है। यदि वो इस मामले को लेकर सारी जानकारी सही सही बताती हैं तो कोर्ट उन्हें माफ भी कर सकता है। वहीं बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस बायोकॉन लिमिटेड की प्रमुख किरण मजूमदार शॉ के ब्रिटिश पति जॉन मैकलम मार्शल शॉ ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर ट्रस्ट बनाया था जिस पर सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर प्रतिबंध लगा रखा था। एक मामले में सामने आया है कि एक शख्स जो आर्थिक अपराध की वजह से जेल में है, इसने ऑफशोर कंपनी के माध्यम से बॉम्बार्डियर चैलेंजर्स विमान खरीदा था। और मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का नाम तो पहले ही दो सूचियों में आया, पहली पंडोरा पेपर्स में तो दूसरी सबसे तेज पैसा कमाने वालों की सूची में। ताजे आंकड़ों के मुताबिक गौतम अडानी के भाई विनोद की संपत्ति 128% बढ़कर 9.8 अरब डॉलर यानी तकरीबन 728 करोड़ रुपए हो गई है। विनोद अडानी ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में 3 साल पहले एक कंपनी खोली थी। हालांकि अब उनका कहना है कि वो इस कंपनी को बंद कर चुके हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक विनोद शांतिलाल अडानी ने साल 2018 में हिबिस्कर आरी होल्डिंग्स लिमिटेड नाम से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एक कंपनी खोली थी। वो इस कंपनी के अकेले शेयर होल्डर्स थे और उनके पास ही कंपनी के सभी 50,000 शेयर थे। हालांकि विनोद अडानी कहते हैं कि उन्होंने कायदे कानून का पालन किया है। इस सूची में अभिनेता जैकी श्रॉफ और दिवंगत कांग्रेस नेता सतीश शर्मा जैसे लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया का भी नाम सामने आया है। नीरा राडिया का नाम 2G घोटाले के वक्त काफी उछला था। उस पर ए राजा को दूरसंचार मंत्री बनाने के लिए लॉबिंग करने का आरोप लगा था। वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर फर्म ट्राइडेंट की डू नॉट कॉन्टेक्ट क्लाइंट हैं। वहीं कई कंपनियों ने राडिया को मास्टर क्लाइंट बताया है। दरअसल ICIJ के इन पंडोरा पेपर्स में जर्सी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, साइप्रस जैसे कई ऑफशोर टैक्स हेवेंस में स्थित 14 सेवा प्रदाता कंपनियों से जुड़ा डेटा है,
जिसमें करीब 29,000 ऑफशोर कंपनियां और ट्रस्टों से जुड़ी जानकारी है। ये सर्विस प्रोवाइडर्स इस तरीके की कंपनियों का गठन करने में मदद करते हैं ताकि धन कुबेर पैसे का घाल मेल कर टैक्स बचा सकें। पंडोरा पेपर्स में दुनिया के 91 देशों से जुड़े 330 राजनेताओं और बड़े अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इनमें जॉर्डन के राजा, यूक्रेन के राष्ट्रपति, केन्या, इक्वाडोर और चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का भी नाम है। इसके अलावा बेतहाशा दौलत के मालिक, मशहूर लोग, उद्योगपति, हत्यारे, आतंकवादी, सभी का नाम पंडोरा पेपर्स में सामने आ रहा है। इन खुलासों का दुनिया भर के देशों में खासा असर पड़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अंशुमान त्रिपाठी। पेंडोरा पेपर से मिली जानकारियां ये बताती हैं कि टैक्स बचाने के लिए सबसे अधिक ट्रस्ट का रास्ता अख्तियार किया गया। ट्रस्ट बनाकर अमीरों ने अपनी संपत्तियों को देश से बाहर निकाला और फिर वैसे देश में पहुंचाया जहां पर कॉरपोरेट टैक्स की दर बेहद कम है या नहीं है। भारत सरकार ने इन पेंडोरा पेपर्स में हुए खुलासों के आधार पर जांच करने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन ये गति बहुत धीमी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज ने एक मल्टी एजेंसी का जांच दल गठित करने की बात अभी तक कही है और अब उम्मीद है कि ये जो नाम आए हैं उन्हें जल्द से जल्द जो टैक्स चोरी इन्होंने की है उसके लिए सजा मिलेगी। लेकिन सवाल इस पर बहुत सारे हैं। इससे 4 साल पहले भी एंटी ब्लैक मनी डे के ठीक एक दिन पहले जारी हुए पैराडाइज पेपर से खुलासे ने भी देश की राजनीति में तहलका मचा दिया था। इस पड़ताल में भारत के 714 ताकतवर हस्तियों के बारे में पता चला जिन्होंने विदेशों में अपना काला धन छिपा रखा था। इन दस्तावेजों में मोदी सरकार में के मंत्री तब तत्कालीन मंत्री थे जयंत सिन्हा, भाजपा के सांसद आर के सिन्हा, तब वो सांसद थे अब मंत्री हैं, अशोक गहलोत, अमिताभ बच्चन और विजय माल्या समेत कई लोगों के नाम और इनकी कंपनियों के नाम थे। ये खुलासा भी ICIJ ने ही किया था और उसके बाद उम्मीद जगी थी कि ब्लैक मनी, काला धन के नाम पर आने वाली सरकार बहुत सख्त हो जाएगी काला धन को लेकर, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये जो खुलासे थे इस बात की ताकीद कर रहे थे कि हमारी अर्थव्यवस्था को चट करने वाले या हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले ये सफेदपोश किस हद तक जा सकते हैं। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मोदी सरकार 8 नवंबर 2017 में नोटबंदी को काले धन विरोधी दिवस की पहली जयंती मनाने की तैयारी में थी कि एक दिन पहले ही पैराडाइज पेपर्स के खुलासे ने मुंह का स्वाद कसैला कर दिया। 7 नवंबर को हुए इस खुलासे ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को एक बार फिर हिला कर रख दिया था। पैराडाइज पेपर्स में 1,34,00,000 दस्तावेजों की पड़ताल की गयी है। इस पड़ताल में पता चला है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई मंत्री, कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के फंडरेजर के नाम भी शामिल हैं। वहीं भारत के 714 ताकतवर लोगों के नामों का भी खुलासा हुआ है। शर्मनाक बात यह है कि काले धन के खिलाफ मुहिम चलाने वाली मोदी सरकार के मंत्री भी इसमें शामिल हैं। तत्कालीन विमान मंत्री जयंत सिन्हा और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य आर के सिन्हा का भी नाम सामने आया है। जयंत सिन्हा का नाम आने से विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। मोदी सरकार ने लिक्टेनस्टीन बैंक, HSBC, पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स, इनमें कुल मिलाकर 2,432 खाता धारकों के नाम अब सामने आ गए हैं। 23 लिक्टेनस्टीन बैंक में, 1,195 HSBC में, 500 पनामा पेपर्स में और 714 पैराडाइज पेपर्स में।
इन 2432 लोगों के नाम जैसा मोदी जी मांग करते थे, हम पूछते हैं कि वो सार्वजनिक पटल पर कब रखेंगे। अभिषेक सिंह पर, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, शिशिर बजोरिया पर, अनुराग केजरीवाल पर और दूसरे इन लोगों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? हो सकता है जयंत सिन्हा जी अपनी बात का पक्ष साफ तौर से रख पाए, परंतु ये सारे तथ्य और ऑफशोर बैंक अकाउंट्स कनेक्शन सामने आने के बाद क्या प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टि से मोदी जी को जयंत सिन्हा जी पर और आर के सिन्हा जी पर एफआईआर दर्ज करके जांच नहीं करनी चाहिए? जयंत सिन्हा सफाई देते हैं कि वो बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर ओमेजीआर नेटवर्क से 2009 से जुड़े थे और 2013 में उन्होंने कंपनी छोड़ दी। खबरों के मुताबिक एक वेबसाइट pendo.com ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ओमेजीआर नेटवर्क मोदी की जीत के लिए काम कर रहा था। 2009 में ओमेजीआर नेटवर्क ने भारत में सबसे अधिक निवेश किया। इस निवेश में इसके निदेशक जयंत सिन्हा की बड़ी भूमिका थी, लेकिन इस हमाम में कांग्रेस के भी कई नेताओं के नाम उजागर हुए हैं। मसलन राज्यसभा के वर्तमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ती चिदम्बरम का नाम भी सामने आया है। इस मामले में कांग्रेस की सफाई खुद ही कटघरे में नजर आई। इसके अलावा बॉलीवुड के भगवान समझे जाने वाले अमिताभ बच्चन, संजय दत्त की पत्नी दिलनशी उर्फ मान्यता दत्त, उद्योगपति विजय माल्या, डॉक्टर अशोक सेठ, कोचिंग कंपनी फिटसी, नीरा राडिया आदि के नाम शामिल हैं। इसके अलावा पैराडाइज पेपर्स में मीडिया समूह जी नेटवर्क और राघव बहल के प्रमोट किए नेटवर्क 18 का नाम भी सामने आया है। एसएल समूह के मालिक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुभाष चंद्रा की कंपनी के प्रमोटर ने ऑफशोर रूट से फंड हासिल किए। यही नहीं, इसमें सन टीवी, एसएल, मैक्सिस मामला, एसआर लूप, टूजी मामला, एसएनसी लवलीन से जुड़े मामले शामिल हैं। एसएनसी लवलीन मामले में केरल के माकपा नेता के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का नाम भी चर्चाओं में था। पैराडाइज पेपर्स में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के काले धंधे का खुलासा हुआ है। श्री माल्या ने विदेशों की शेल कंपनी का उपयोग अपनी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड इंडिया का 1.5 अरब डॉलर रखने के लिए किया था, जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए के बराबर है। अभी तक विजय माल्या का बाल बांका नहीं हो पाया है। हालांकि ज्यादातर लोग किसी भी तरह की आर्थिक अनियमितता का खंडन करते हैं और रिपोर्ट के मुताबिक ये नहीं जाना जा सकता कि वाकई में ये लोग किसी गैर कानूनी आर्थिक गतिविधि में लिप्त थे, लेकिन ये खुलासा इस बात की तस्दीक करता है कि कैसे ताकतवर लोग, नेता, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अमीर लोग फर्जी कंपनियों, ट्रस्ट या फाउंडेशन के जरिए कर अधिकारियों से अपनी संपत्ति और सौदों को छुपाकर अदा करने से बचते हैं और बड़े पैमाने पर पैसा बनाते हैं। अंशुमान त्रिपाठी की रिपोर्ट, एपीएन। उधर दुनिया भर में टैक्स हेवन से जुड़ी कितनी जगहें हैं इसका कोई अंदाजा तो नहीं है, लेकिन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमैन आइलैंड, समोआ और पनामा जैसे द्वीप जो समूह हैं वो टैक्स हेवन के तौर पर पूरे विश्व में जाने जाते हैं। इन जगहों पर अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए खुद का संसाधन नहीं होता, इसीलिए इन जगहों की अर्थव्यवस्था या तो टूरिज्म सेक्टर पर निर्भर होती है या ऐसे बैंकिंग सिस्टम पर जिसका सदस्य बनकर दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन अपने पैसों को दुनिया की नजरों से छुपा सकता है। यहाँ जो भी पैसा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इस तरह की सुविधा ये देश देते हैं। यहाँ धड़ल्ले से ऑफ द सेल्फ कंपनियां खुलती हैं, मतलब ऐसी कंपनियां जो कागज पर तो होती हैं लेकिन वास्तविक तौर पर नहीं होती। कभी भारत में भी कोलकाता एक ऐसा ही शहर हुआ करता था जहां एक ही पते पर हजारों कंपनियां खुल जाती थी और वो पता भी ऐसा जैसे वो किसी गली कूचे की दुकान हो। अब कुछ इसी तर्ज पर बड़े जो ये कंपनियां हैं उन्होंने कुछ देशों से ही ये सुविधाएं लेनी शुरू कर दी हैं और इसकी वजह से इस तरह के तमाम टैक्स चोरियां हो रही हैं। पैराडाइज पेपर्स ने ज्यादा शोर शराबा तो मचाया लेकिन नतीजा बहुत कुछ नहीं निकला, लेकिन काले धन को लेकर असली तूफान खड़ा हुआ था पनामा पेपर्स के खुलासे से। 4 साल पहले पनामा पेपर्स सामने आने से देश में खासी खलबली मची थी, जिसमें भी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन
उनकी बहू ऐश्वर्या बच्चन के साथ साथ देश के कई नामी हस्तियों के समेत 500 भारतीयों के नाम सामने आए थे। इस खुलासे के बाद करीब 450 लोग भारतीय एजेंसियों की जांच के जद में आ गए थे। दरअसल 2017 में दुनिया में सबसे अधिक गोपनीयता से काम करने वाली पनामा की कंपनी मोसाक फोंसेका के लाखों कागजात लीक हो गए थे, जिनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार समेत 12 वर्तमान तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षों और विश्व स्तर के 60 तत्कालीन या पूर्व नेताओं से जुड़े लोगों के नाम शामिल रहे। दो हजार 2015 में एक गुमनाम स्रोत ने एक जर्मन अखबार से संपर्क किया और पनामा की लॉ फर्म मोसाका फोंसेका के अनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्स दिए। ये लॉ फर्म गुमनाम विदेशी कंपनियों को बेचने का काम करती थी, जिससे मालिकों को अपने कारोबारी लेन देन अलग रखने में मदद मिलती। ये डेटा 2.6 टेराबाइट्स का था, अब तक के सारे खुलासों से भी विशाल था, जिसकी वजह से जर्मन अखबार ने ICIJ से मदद मांगी। इसने 67 देशों के 20 पैनर्मा समेत 100 सहयोगी समाचार संगठनों को इनकी पड़ताल में शामिल किया। करीब साल भर तक गहन छानबीन के बाद ICIJ और इसके सहयोगियों ने संयुक्त रूप से 3 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर छापे। एक महीने के बाद दस्तावेजों के डेटाबेस भी ऑनलाइन डाल दिए। पनामा पेपर्स ने दुनिया भर को चौंका दिया। इसमें नामों के खुलासे के बजाय पनामा पेपर्स के सामने आने पर क्या हुआ, ये जानना ज्यादा दिलचस्प होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगियों ने कैसे पूरी दुनिया में कैश की हेराफेरी की, पुतिन के सहयोगियों ने द अरब डॉलर की हेराफेरी की। रूस में तो इस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मगर आइसलैंड और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुश्किल में फंस गए। आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिंगमडर गुनलॉगसन को इस्तीफा देना पड़ा, तो पाकिस्तान की अदालत ने नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया और जांच बैठा दी गई। उन्हें पाकिस्तान भी छोड़ना पड़ा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मॉकरी के खिलाफ जांच शुरू की गई। दुखद बात ये रही कि माल्टा में पत्रकार डैफने कारुआना ग्लिट्स की कार धमाके के साथ हत्या कर दी गई। डैफने को खुलासे में शामिल होने की वजह से मार दिया गया। कानूनी फर्म मोसाका फोंसेका को कई दफ्तर बंद करने पड़े। दुनिया भर के देशों में कई गिरफ्तारियां हुई। ब्रिटेन और भारत समेत 13 देशों में नई कानून बनाने पड़े और दर्जनों जांच बिठाई गई। इसमें मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हॉस्नी मुबारक, ट्यूनिशिया के पूर्व राष्ट्रपति बेन अली और सीरिया के नेता बशर अल असद की हुकूमतों के करीबियों का भी जिक्र किया गया। वहीं अमिताभ बच्चन समेत भारत के भी 500 बड़ी हस्तियों के नाम इसमें सामने आए। पनामा पेपर लीक के 426 मामलों में से 147 पर कार्रवाई की जा रही है। आयकर विभाग ने अब तक इनमें से 792 करोड़ रुपए का लेन देन संदिग्ध माना है। अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाया गया कि KBC के पहले सीजन के बाद बरमूडा की कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया। कंपनी 2002 में बनी और 2005 में इसे खत्म कर दिया गया। अमिताभ के अलावा उनकी पुत्र वधु ऐश्वर्या राय का भी नाम इन पेपर्स में आया। वहीं फिल्म अभिनेता अजय देवगन, छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, इंडिया बुल्स के समीर गहलोत, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, जिनका नाम हाल ही में पैराडाइट पेपर्स में भी उछला, नेता शिशिर बजेरिया, दिल्ली लोक सत्ता पार्टी के पूर्व नेता अनुराग केजरीवाल के भी नाम शामिल थे। इसके अलावा मशहूर वकील हरीश सालवे का नाम पैराडाइज पेपर से पनामा पेपर्स में भी उजागर हुआ, तो मशहूर वकील सोली सोराबजी के बेटे डॉक्टर जहांगीर एस सोराबजी का नाम भी दोनों जांच में नजर आया। और तो और डेविल्स एडवोकेट नाम का कार्यक्रम चलाने वाले मशहूर टीवी पत्रकार करण थापर का नाम भी सामने आया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 दिन में मामले की जांच करके रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक ये जांच कहां तक पहुंची है और क्या कार्रवाई हो पाई है, बहुत साफ नहीं है। जाहिर है कि इस चुप्पी ने मोदी सरकार के काले धन को बाहर लाने के लिए नोटबंदी के मकसद पर सवालिया निशान लगा दिया है, क्योंकि इस जांच में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिनको और उनके रिश्तेदारों को प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माना जाता है। अंशुमान त्रिपाठी, APN। वैसे भारत सरकार ने पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स के खुलासे के बाद लगभग 20,352 करोड़ रुपए
की अघोषित आय का पता लगाया, लेकिन ये विदेशों में जमा किए काले धन का बहुत छोटा हिस्सा समझा जाता है। दरअसल पनामा पेपर्स का खुलासा अब तक का सबसे बड़ा खुलासा माना जाता रहा। पनामा रिपब्लिक उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला एक ऐसा देश है जिसकी आबादी कुल मिलाकर 40 लाख है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ मोसेक फोंसेका जैसी कंपनियां हैं जो पनामा समेत बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और दूसरे टैक्स हेवंस में खाता खोलने में मदद कराती हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में पारदर्शी आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को लेकर दरोगा की एक भूमिका अदा करने वाले अमेरिका में भी कम से कम 3 ऐसे राज्य हैं जो शेल कंपनियों के लिए दुनिया भर में बदनाम हैं, और वहां पर भी इस तरह की कंपनियां खुलती हैं, इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। दरअसल पनामा पेपर्स ने दुनिया भर में ताकतवर और संपन्न लोगों के काले धन का सबसे बड़ा खुलासा किया था। हालांकि इससे पहले भी कुछ और खुलासे हुए। दरअसल इस तरह के खुलासों की शुरुआत विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन के खुलासे के साथ हुआ। पनामा पेपर्स से पहले स्विस लीक, लग्जमबर्ग लीक और ऑफशोर लीक के नाम से खुलासे हुए और दुनिया भर में ताकतवर लोगों के काले धन से जुड़े काले कारनामे सामने आए। आइए देखते हैं कि पनामा पेपर्स से पहले इन खुलासों की शुरुआत कैसे हुई। पनामा पेपर्स के पहले HSBC बैंक की दुनिया भर के हथियारों के सौदागरों, तस्करों, तानाशाहों, राजनेताओं और पूंजीपतियों से सांठगांठ का खुलासा हुआ था। 2015 में हुए इस खुलासे को स्विस लीक के नाम से जाना जाता है। ICIG की इस पड़ताल में 45 देशों के सैकड़ों पत्रकार शामिल थे। लीक हुई फाइलों में 2007 तक के खातों की जानकारी थी जो 200 से ज्यादा देशों के 1,00,000 लोगों और कानूनी संस्थाओं से संबंधित थे। इसमें मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक, ट्यूनिशिया के पूर्व राष्ट्रपति बेन अली और सीरिया के नेता बशर अल असद की हुकूमतों के करीबियों का भी जिक्र किया गया था। CIJ ने कहा है कि HSBC ने हथियार कारोबारियों, तीसरी दुनिया के तानाशाहों के लिए काम करने वाले लोगों, ब्लड डायमंड्स की तस्करी करने वालों और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों से फायदा उठाया था। ICIJ की जांच फ्रेंच इटालियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर और विसल ब्लोअर एरवी फेल्सियानी द्वारा लीक किए गए डेटा पर आधारित थी, मगर ICIJ को ये डेटा सरकारी सूत्र से मिलता था। जांच में पता चला है कि इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड में HSBC बैंक के 1,195 भारतीय ग्राहक हैं। ये फ्रांस की ओर से भारत को 2011 में सौंपे गए 628 नामों की तुलना में दोगुना है। इस लिस्ट में शामिल भारतीय नामों में कई बिजनेसमैन, हीरो के व्यापारी, कांग्रेस के कई नेता और उनके परिवार से जुड़े लोग और NRI के नाम हैं। दस्तावेज में भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनकी बहन दीप्ति सालगांवकर और उनकी मां कोकिला बैन के HSBC में अकाउंट्स का जिक्र मिला। हालांकि अंबानी परिवार के मुताबिक उन्होंने कायदे कानून के तहत ही खाते खुलवाए हैं। इनमें कांग्रेस के पूर्व सांसद अनु टंडन का नाम भी आया था। खबरों के मुताबिक अनु टंडन के पति संदीप टंडन IRS ऑफिसर थे, रिलायंस समूह में छापा मारने वाली टीम में शामिल रहे। बाद में उन्होंने रिलायंस समूह ज्वाइन कर लिया और ज्यादातर वक्त स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में रहते रहे, जहां उनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। वहीं अनु टंडन रिलायंस समूह की एक कंपनी मोटेक सॉफ्टवेयर की प्रबंधन निदेशक रही। मोटेक में काला धन जमा होने की खबर के बाद अंबानियों ने इससे नाता तोड़ लिया था। महाराष्ट्र BJP के नेता नारायण राणे की पत्नी नीलम राणे, बेटा नीलेश राणे, दिवंगत कांग्रेस नेता वसंत साठे के बेटे बहू बाल ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे के भी खाते HSBC में होने की जानकारी सामने आई है। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परिणीति कौर का भी स्विस बैंक में खाता होने की खबर है। इसके अलावा कारोबार जगत से जुड़े लोगों में जेट एयरवेज के नरेश गोयल, डाबर के बर्मन परिवार, डालमिया ग्रुप के अनुराग डालमिया और मनु छाबड़िया परिवार का नाम सामने आया है। इससे पहले 2014 में लग्जमबर्ग लीक सामने आया। ICIJ की पड़ताल में पता चला कि प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स द्वारा लग्जमबर्ग में 2002 और 2018 के बीच बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अनुकूल टैक्स नियम पाने में मदद करने पर आधारित थी।
आईसीआईजी ने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने लग्जमबर्ग के जरिए पैसा चैनलाइज करके अरबों बचाए। कई बार तो टैक्स की दर 1% से भी कम रही। इसके मुताबिक लग्जमबर्ग में एक पते पर तो 1600 से ज्यादा कंपनियां चल रही थी। पेप्सी, आइकिया, एआईडी और डॉयचे बैंक प्रमुख नाम थे। लीक हुए दस्तावेजों की दूसरी सीरीज में कहा गया कि वॉल्ट डिज्नी कंपनी और स्काइप ने खरबों डॉलर लग्जमबर्ग की सब्सिडियों के जरिए निकाले। फ्रेंचमैन एंटोनी टेल्टोर, जो कि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के पूर्व कर्मचारी थे, इस डाटा को लीक करने के लिए मुख्य शख्स थे। वहीं 2013 में हुआ ऑफशोर लीक पनामा पेपर्स लीक के 10वें हिस्से के बराबर था, मगर अंतर्राष्ट्रीय कर धोखाधड़ी के सबसे बड़े पर्दाफाश के तौर पर इसे देखा जाता है। आईसीआईजे और इसके न्यूज पार्टनर्स ने अप्रैल 2013 में रिपोर्ट को 15 महीनों की पड़ताल के बाद सार्वजनिक किया था। हमेशा की तरह राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और उनके परिजनों के नाम सामने आए। इनमें रूस के कुछ जानने माने नाम भी थे। साथ ही चीन, अजरबैजान, कनाडा, थाईलैंड, मंगोलिया और पाकिस्तान से भी कुछ नाम थे। ऑफशोर लीक्स में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह का भी नाम आया था। लेकिन इस तरह के खुलासे की शुरुआत आईटी विशेषज्ञ एडवर्ड स्नोडेन से हुई। हालांकि वो अपने नाम को विसल ब्लोअर और पत्रकार मानते हैं। स्नोडेन ने अमेरिका के ब्रिटेन के ग्लोबल सर्विलांस प्रोग्राम का खुलासा किया था। स्नोडेन शुरू में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से बतौर एम्प्लॉय और सब कॉन्ट्रैक्टर जुड़े थे। स्नोडेन ने ऐसी सुविधा जानकारियां उजागर कर दी कि दुनिया भर की सरकारें और राजनीतिज्ञ मुश्किलों में पड़ गए। अमेरिका तो स्नोडेन को अमेरिकी कानून के तहत देश लाकर राजद्रोह में जेल में डालने की सारी कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन रूस ने स्नोडेन को 2013 से अपने यहाँ शरण दे रखी है। बहरहाल इस तरह के खुलासों ने दुनिया में एक नए तरीके की पत्रकारिता को पहचान दी है। भारत में भले ही पत्रकारिता के स्तर को लेकर आलोचना हो रही है, लेकिन दुनिया में स्तरीय पत्रकारिता का सम्मान इसी से पता चलता है कि इस बार का शांति नोबल पुरस्कार फिलीपीन के पत्रकार मारिया रसा और रूसी पत्रकार दमित्री मुरातोव को दिया गया। खतरों के बावजूद फिलीपींस और रूस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के उनके साहसिक प्रयासों के लिए नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के नाम मीडिया के मालिकों को अवैध तरीके से पैसा कमाने की छूट मिलती है और वेतनभोगी पत्रकार मालिक के हितों के अनुरूप होंठ हिलाने और कलम चलाने को मजबूर होते हैं। अंशुमान त्रिपाठी की रिपोर्ट, ABN। स्विस लेक यानी HSBC बैंक को 2012 में मैक्सिको और कोलंबिया के ड्रग माफिया के मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में 1.92 अरब डॉलर का जुर्माना भरना पड़ा था, लेकिन HSBC की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ICIJ के ताजा पड़ताल में पता चला है कि 2012 के बाद और 2017 के बीच भी इस बैंक ने 4 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा गलत तरीकों से ट्रांसफर किया। लेकिन सिर्फ HSBC ही नहीं बल्कि ING, बाकलेज, लॉयड्स और स्विस बैंक भी ऐसे जुर्माने भर चुके हैं। यानी बैंकों की साठगांठ और उद्योगपतियों की साठगांठ से काले धन को छुपाया जाता है और जिसका सीधा सीधा असर उस देश के अर्थव्यवस्था पर पड़ता है जिस देश से धन को निकालकर एक तरह से काले धन के रूप में इसे कहीं और छुपाया जाता है। विशेषकर भारत की यदि बात करें तो भारत को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है और ये जो मुद्दा है काले धन का वो आज से नहीं है भारत में, जिस पर सरकारें बनती रही हैं, बिगड़ती रही हैं, सरकारों को जवाब देना पड़ा है, मंत्रियों को जवाब देना पड़ा है। लेकिन ये सरकार जिसे काले धन को दूर हटाने के लिए ही एक तरह से भारतीय जनता ले आई और ये मानते हुए कि काला धन जब वापस आएगा तो अच्छे दिन भी वापस आ जाएंगे, न तो काला धन वापस आया और न ही अच्छे दिन के कोई आसार नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 के आम चुनाव में काला धन को चुनावी मुद्दा बनाने में कामयाब रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन पर रोक लगाने के लिए नोटबंदी जैसा सख्त कदम भी उठाया, लेकिन सच्चाई ये है कि काला धन खत्म होने के बजाय बढ़ता गया। बल्कि काले धन पर रोक लगाने के लिए जो कानून लाए गए, पेंडोरा पेपर्स के पड़ताल से ये पता चल रहा है कि इन कानूनों की कमियों का भी भरपूर फायदा उठा रही हैं ये कंपनियां और अपनी काली कमाई का धंधा बदस्तूर जारी रखे हुए हैं।
आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई पाई वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? 2014 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोशीला भाषण देते हुए कहा था कि विदेशों में जमा 80 लाख करोड़ की एक एक पाई वो भारत में वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि विदेशों से आने वाले काले धन से हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए तो आ जाएंगे। इस पैसे के इंतजार में जनता ने उन्हें दोबारा से चुनाव जिताया और प्रधानमंत्री बना दिया। ये बात अलग है कि वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही इसे राजनीतिक जुमला करार दिया था। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। जनता ने पीएम मोदी के शब्दों पर पूरा भरोसा बनाए रखा। विदेशों से तो काला धन नहीं आया, लेकिन नोटबंदी के जरिए देश के भीतर के काले धन को निकालने की मुहिम छेड़ दी गई और एक दिन अचानक रात 8 बजे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। नोटबंदी से देश में खासी आपाधापी मची। एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी। महीनों तक लोग नकदी के लिए तरसते रहे। घरेलू जरूरतों के लिए बचाकर रखी गई नकदी को भी काला धन मान लिया गया। देश का ग्रामीण और शहरी मध्यम वर्ग आर्थिक अवसाद में चला गया। लेकिन ताकतवर लोगों ने बैंकों की मदद से 500 और 1000 की नोट 2000 के गुलाबी नोटों में बदलवा लिए। इन नोटों को काला धन इकट्ठा करने के लिए आसान बताकर बंद कर दिया गया था, लेकिन नए 2000 के नोटों में तब्दील हुआ काला धन अब जमा करने में कम जगह घेरने लगा है। धीरे धीरे एटीएम मशीनों से भी गायब होता जा रहा है। होते होते हालात यहां तक पहुंच गए कि इसी साल जुलाई में लोकसभा में काले धन पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पिछले 10 साल में स्विस बैंक में छुपाए गए काले धन का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, जबकि स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने 17 जून को खबर दी थी कि भारतीयों और यहां की कंपनियों का स्विस बैंकों में जमा धन 2020 में 13 साल में सबसे अधिक 2.55 अरब स्विस फ्रैंक या 20,700 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि सरकार ने तुरंत लीपापोती शुरू कर दी और इसी समाचार एजेंसी के जरिए वित्त मंत्रालय ने कहा कि विदेशों में भारतीयों की जमा रकम आधी रह गई है, लेकिन सरकार कोई आंकड़ा नहीं दे सकी। आज भी काला धन बाहर भेजने वाले 5 प्रमुख देशों में भारत का नाम शुमार है। यही नहीं, जब पनामा पेपर्स में ताकतवर भारतीयों के नाम सामने आए तो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमें 4 सोर्सेज से जो विदेशों में पैसा था उसकी जानकारी मिलती। पहला सोर्स था जो HSBC के डिटेल्स आए, दूसरा था जो लिंचनस्टाइन अकाउंट्स के आए, तीसरा पनामा डिटेल्स में आए, एक वो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट था उन्होंने किया, और पांचवा सोर्स ये है कि कई बार जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनी है उसके माध्यम से कंट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आती है। हमने डीमोनेटाइजेशन के बाद कम से कम एक संदेश स्पष्ट चला गया कि आज कैश के माध्यम से जीवन जीना, व्यवसाय करना ये सेफ नहीं रहा, आज नहीं तो कल आप पकड़े जाओगे। पनामा पेपर्स को भी मोदी सरकार ने कांग्रेस पर निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि जानकारी के मुताबिक भारत में पनामा पेपर्स लीक के 426 मामलों में से 147 कार्रवाई योग्य पाए गए। आयकर विभाग ने अब तक इनमें से 792 करोड़ रुपए का लेन देन संदिग्ध माना है, लेकिन जिस कछुआ चाल से जांच चल रही है वो अगले साल तक पूरी होने की आशंका है।
इस मामले में 500 भारतीयों के नाम आए थे। इसके बाद पैराडाइज पेपर के खुलासे के बाद G20 देशों के वित्त मंत्रियों ने इन काले चोरों के काले कारनामे रोकने के लिए दिलचस्प तरीका निकाला। G20 देशों के वित्त मंत्रियों ने जुलाई 2021 में 15% का घटा हुआ सामान्य कॉर्पोरेट टैक्स रेट घोषित किया, यानी इन काले चोरों को और सहूलियतें दी गई ताकि ये ईमानदारी का रास्ता पकड़ सके। भारत में भी कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया गया, बल्कि अक्टूबर 2019 के बाद से रजिस्टर्ड होने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सिर्फ 15% टैक्स देना होगा। वहीं छोटे छोटे कर्ज न चुका पाने वाले किसानों के घर के सामने आज भी मुनादी की जाती है और इस कदर दबाव बनाया जाता है कि वो खुदकुशी को मजबूर हो जाते हैं। बल्कि कालेधन की बात कर सत्ता में आई मोदी सरकार के कार्यकाल में सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर इन विदेशी फर्मों में जमा करने वाले विजय माल्या, मेहुल चौकसी समेत बहुत से काले चोर देश छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। भारतीय मीडिया रोज उन्हें लाए जाने की मुनादी पीटता रहा, लेकिन इनमें से किसी एक को भी मोदी सरकार वापस नहीं ला पाई। हालांकि मोदी सरकार कालेधन के लिए अब भी मुस्तैदी दिखा रही है। अपने राजनीतिक विरोधियों आदित्य ठाकरे, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक, डी के शिव कुमार, कनिमोची, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले, टीटीवी दिनाकरन और तेजस्वी यादव के खिलाफ इनकम टैक्स और DRI को मोदी सरकार रेड का आदेश देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि पेंडोरा, पैराडाइज, पनामा, स्विस लीक्स, लग्जमबर्ग लीक्स समेत सभी खुलासों में 1200 से ज्यादा ताकतवर और धन कुबेरों के नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इन पर क्या कार्रवाई हुई ये नहीं पता चला। बल्कि काले धन के मुद्दे पर जिस कांग्रेस को घेर कर बीजेपी सत्ता में आई थी, उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रोज प्रधानमंत्री को घेरते हुए नजर आते हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। पेंडोरा पेपर से लेकर पनामा पेपर्स में कई ऐसे नाम हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकियों के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि इनके चुनावी चंदे से बीजेपी 2 बार केंद्र की सत्ता में आई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मोदी है तो ऐसा मुमकिन है। अंशुमन त्रिपाठी, APN। पनामा पेपर्स के खुलासे के बाद अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने कहा था कि पनामा पेपर्स विश्व में पूंजीवाद के लिए एक बड़ा संकट का कारण बन सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद पैराडाइज पेपर्स, फिर पेंडोरा पेपर्स भी सामने आ गए। दिलचस्प बात यह है कि अपराधियों से लेकर पूंजीपतियों तक टैक्स चोरी के लिए अपने ही देश के साथ वो लगातार द्रोह करते हैं, बल्कि अवैध तरीके से कमाए धन को छिपाने के लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। ऐसे में विश्व पूंजीवाद की हिमायती माने जाने वाले कॉरपोरेट्स, अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स, सर्विस प्रोवाइडर्स मिलकर प्रतिस्पर्धा की वजह से खुद काले धन की विश्व अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। ये वो पैसा होता है जो आम नागरिकों के आर्थिक हितों पर डाका डालकर इकट्ठा किया जाता है, लेकिन काला धन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब काले धन की बात चल रही है तो भारत के 130 करोड़ जनता को उम्मीद जरूर थी कि भारत का जो धन काले धन के रूप में स्विस बैंकों में या अलग अलग जगहों पर इन नेताओं, इन पूंजीपतियों ने जमा कर रखा है, सरकार ने इस बात की उम्मीद दिलाई थी और खुद भी जताई थी कि ये सब कुछ भारत आएगा और आम नागरिकों की जो खुशियों का इंतज़ाम है ये अब बहुत जल्द सरकार कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक के बाद एक खुलासों से आम आदमी की उम्मीद भी टूट रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कम से कम भारत के अंदर कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हो और विशेषकर काले धन को लेकर जो कानून है वो इतना मजबूत हो कि इस तरह के खुलासों से में नाम आने के बाद भी जो लोग हैं, जो बड़े अपराधी हैं, जो तथाकथित सफ़ेद पोश लोग हैं, वो भी बच न सकें।
तभी शायद इस तरह के पेपर्स के खुलासों का कोई लाभ हो सकेगा। बहरहाल हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा, यकीन तो नहीं। आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपके सामने एक विशेष लेकर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए आप।